कारण। आइए जानते हैं इस वीडियो में हॉरर प्लेसेस के बारे में, तो वीडियो अंत तक का ज़रूर देखना। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते विद द टॉप 500 प्लेस इन इंडिया पार्ट टू, लेट्स बिगेन। नंबर 5, मसूरी सवाई होटल। उत्तराखंड के मसूरी में मौजूद द सवाई होटल एक बहुत ही फेमस होटल है। द सवाई होटल, द सवाई होटल पूरे इंडिया का सबसे लग्जेरियस होटलों में से एक है। साल 1911 में यहाँ पर एक रहस्यमय मौत हुई थी। लोगों का यह कहना है कि आज भी यहाँ गार्डनियर ओम की आत्मा भटकती है। जो गेस्ट वहाँ रुकते हैं वह यह दावा करते हैं कि रूम के दरवाजे अचानक से खुल जाते हैं और रूम में रखे गए सामान इधर उधर हिलने लगते हैं। और कई लोगों ने यह दावा किया है कि उन्हें एक औरत दिखती है जो कॉरिडोर और सीढ़ियों के पास घूमती रहती है। और जो लोग वहाँ रात गुजारते हैं उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि उन्हें अजीब से डरावने सपने आते हैं। और डरावने सपनों के साथ साथ लोगों के मन में एक अजीब सी फीलिंग आती है, मानो कि कोई तुम्हें देख रहा हो, एक ऐसी फीलिंग आती है। कई लोगों ने यह दावा किया है कि उन्होंने धुंधली सी फिगर यहाँ पर चलते हुए देखी हुई है। नंबर 4, राइटर्स बिल्डिंग। राइटर्स बिल्डिंग वेस्ट बंगाल के कैपिटल कोलकाता में स्थित काफ़ी फेमस बिल्डिंग है। 1930 के समय जब इंडिया में ब्रिटिश का शासन था, तब इस बिल्डिंग में कई कत्लें हुई और कई ब्रिटिश कर्नल मारे गए। कहा जाता है जो भी कर्नलों की यहाँ मौत हुई उनकी आत्मा आज भी इस बिल्डिंग में हॉन्ट करती है। यह बिल्डिंग आज भी इस्तेमाल होती है और दिन के समय यहाँ लोग काम भी करते हैं, बट मैंने कहा केवल दिन के समय। आज भी चीखे और आवाज़ें रात में सुनाई देती हैं, और दिन में आवाज़ सुनाई देना यहाँ के लोगों के लिए एक आम सी बात है। कई लोगों ने यह भी दावा किया है कि उन्हें कोई अलग फील ऑफ प्रेजेंस महसूस होता है और इस जगह कई लोगों का सर भी दुखने लगता है। नंबर 3, ब्रिजराज भवन पैलेस। राजस्थान के कोटा शहर में एक हवेली है जिसका नाम है ब्रिजराज भवन। क्या आपको पता है यह हवेली 1830 में बनी थी। लोगों का यह मानना है कि इस जगह पर केवल एक व्यक्ति की आत्मा घूमती है, मेजर बर्टन, जो कि सैन्य ऑफिसर थे ब्रिटिश के। अभी इस पैलेस को एक होटल में बदल दिया गया है। कहा जाता है यहाँ मेजर बर्टन और उसके दो बच्चों की आत्माएं घूमती रहती हैं। नंबर 2, आगरा सिंह की बावली, न्यू दिल्ली। इसको दुनिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक माना जाता है। वैसे तो ये दिन के समय एक टूरिस्ट स्पॉट है, बट रात में यहाँ पर कोई नहीं जाता है। जब पहले इस जगह पर पानी हुआ करता था तो काफियों ने यहाँ पर सुसाइड किया है। कहा जाता है उस पानी में कुछ हिप्नोटिज्म की क्वालिटी थी, पानी को देख के लोग खुद ब खुद डूबने चले जाते थे। आज भी वहाँ जाने से कोई एंटिटी के फील ऑफ प्रेजेंस का महसूस होता है। नंबर 1, मालचा महल दिल्ली। दिल्ली के इस मालचा महल में लोग रात को क्या दिन में भी जाने से डरते हैं। कई लोगों ने यहाँ पर अजीब सी एंटिटीज को टहलते हुए देखा है। कई लोगों ने यहाँ पे चिल्लाने की भी आवाज़ें सुनी हैं और लोग यहाँ पे दिन में भी जाने से डरते हैं। कहा जाता है बेगम विलायत और उनके बेटा और बेटी तीनों की आत्माएं यहाँ पर रात में मंडराती रहती हैं। लोग रात में इसके पास वाली सड़क से भी जाने से डरते हैं। तो चलो यार, वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। हम नीचे आपका फेवरेट पार्ट कौन सा है वो बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट कर देना। यदि चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।